आज का जो फॉर्मूला है वो है SnSO4। इस कंपाउंड का नाम क्या होता है मैं बताऊंगा, बेहद आसान सा कॉन्सेप्ट जिससे क्या होगा, इस कंपाउंड की नेमिंग तो आप सीखेंगे। अब आपके सामने कभी भी कोई दूसरा कंपाउंड आएगा तो आप उसकी भी नेमिंग कर सकते हो। देखिए इस कंपाउंड में सबसे पहले देखिए कौन कौन से एलिमेंट यूज हुए हैं। तो जो SN होता है इसे बोलते हैं टिन, क्या बोलते हैं इसको, टिन बोलते हैं। S कमिंग्स होता है सल्फर, देन ऑक्सीजन, तो ये तीन एलिमेंट मिलकर बना रहे हैं ये फॉर्मूला। देन अब आता है आयन, आयन क्या होता है, ये टू टाइप का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव होते हैं। इसको टू पार्ट में डिवाइड किया जाता है SN को पॉजिटिव फॉर्म में, SO4 है ये आपका नेगेटिव पार्ट में रहता है। देन इसकी वैल्यू भी होती है, इसकी जो वैल्यू होती है प्लस के टू होती है, इसकी वैल्यू होती है माइनस के टू होती है। ये सब प्रैक्टिस करने से आएगा आपको, ये मत समझे कि मैं कर ले रहा हूँ तो आप लोग भी कर लेंगे, ये बिल्कुल बेसिक क्लास में 6th, 7th, 8th, 9th में बहुत जमकर दिया होता है बुकों में, तो आप प्रैक्टिस जमकर कर सकते हैं तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दोनों की वैल्यू सेम सेम है तो क्या होगा, SnSO4। तो ये तो बना दिया मैंने फार्मूला, बनता कैसे, बट नाम अभी भी वही है कि नाम क्या होगा। नाम के लिए क्या करेंगे, SN का जो होता है वो बोलते हैं यहाँ पर स्टेनस, क्या बोलते हैं इसको, स्टेनस बोलते हैं। जब वैल्यू क्या होता है प्लस के टू दे रखी होती है, जब प्लस के फोर होते हैं तो उसको स्टेनिक बोलते हैं। ये आपको पूरा क्लियर होना चाहिए, इसका स्टेनस हो गया। अब सल्फर एंड ऑक्सीजन मिले क्या बना रहे हैं, SO4 को बना रहे हैं, इसका नाम क्या होता है, सल्फेट। तो ये नाम क्या हुआ, स्टेनस सल्फेट। तो ये बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री की, जो फॉर्मूले होते हैं किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं ये भी बताया मैंने, सिंबल्स के नाम क्या होते बताया, आयन के बारे में बताया। तो आप लोग भी जमकर प्रैक्टिस कीजिए तभी आपको ढेर सारे फॉर्मूले याद होंगे और केमिस्ट्री आपकी बेहद स्ट्रांग हो जाएगी। मैं मिलता है एक नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।